निसार मैं तेरी गलियों के ऐ वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मों जान बचा के चले। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਤਲੀਆਂ ਭੂਣਾ ਛੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ, ਮੇਰਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੈੱਟ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਵੇਗ ਜੀ ਕੀੜਾ ਵੜ ਗਿਆ। ਲਾ ਕੇ ਝਾੜ ਲਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਖੇਲਾਵਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇਖੇ ਓਏ ਬਾਬਾ, ਇੰਨਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੰਜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਓਏ ਯਾਰ, ਓ ਗਲਤ ਸਰ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਉਸਕਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਕਾ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਮਾਈਆਂ। अस्सलाम वालेकुम, खबर हार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। कुछ दिनों रात शो का आगाज करते हैं फिल्म स्टूडियो से, जहां एक फिल्म का ऑडिशन जारी है। ओए मैं कब्रिस्तान बना देंगा। टा 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 टा। ये क्या बेहूदगी, कब्रिस्तान बना देंगा? नामे मौला मिस्त्री जे। वो वाला कब्रिस्तान बना। पहले यहाँ पे रिहर्सल हुआ करती थी, आज फिर ऑडिशन चल रहे हैं। 2 करोड़ रुपया तन देना फिल्म हीरो बन आ जाओ। 2 करोड़ बस? हां जी, इन कर लो। सारे 30,000 जी, मैं टोटल फिल्म बनानी है। बक बक बंद कर जो, तुम्हें कहना उदो डायलॉग बोलना, चुप रहना। अच्छा ओए, मेरा खालू पैसे मेरा खालू पैसे ला रहा। जो तक अस फ्रैंक नहीं ना होवे, फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। ओ भाई ठुड्डे, क्या हाल है सर जी? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसे हैं? ये वैसे गलत बहुत है, आपने मेरे साथ पहले ग्रीटिंग करनी थी। क्या करनी थी? ग्रीटिंग। हालांकि सुन गया सी, जान के क्या करनी थी है? क्या म्यूजिक भी मेरा अपना होगा, फिल्म मैं रोल भी कर रहा जी। आलू साडे ने, कुड़ी भी पाली दूसरी। ये तो बड़ी डिसेंट लग रही है। ऐसी गल हुण डिसेंट लगना पे यार, की खाने वो भी बहुत प्यारी है। बस कर दे, इत्थे पर्दा करा के फिल्म बनाओ मौला। अच्छा तो हमें तिना जो कोई डिसेंट नहीं लग रहे हैं इनडिसेंट ऑल ऑफ यू। और सबसे थर्ड क्लास पता तुम में कौन है जी? वो जो आता है मेरी मोहब्बत है, शबाना मेरी मोहब्बत। ओहो, टेढ़ा मेढ़ा सा जो एक कैरेक्टर तौबा, मेन हीरो जे साडा भाजी रब दा वास्ता ही। ओदा गुरदा नवा पवाया हुण असीं परसों। ओदी रोज एक शायद नवी पवाई दी, तुहानूं पता। तो पिछले महीने भी आपने कुछ डलवाया था। ओ चिकड़ मैट पवाए संजीव, बारिशां दे दिन सी ना, क्लच प्लेटां ओदियां ठीक कराईयां भाजी उसकी गाड़ी में। नहीं नहीं, ओदियां भाजी तुहानूं तां पता कि इंट्रोडक्शन करा लगा अपने मेन हीरो दी। टडन, ओ मेन हीरो तू मरे एक्स्ट्रा है, दूजे तीजे नंबर ते। आलू ਐ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾ? ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਚ ਦੂ ਮੰਨਣਾ, ਦੂਜੇ ਸੀਨ ਚ ਇਹਨੇ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੰਨਣਾ 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 ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਓਏ ਹੀਰੋ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਨੁੱਟ ਕੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਬਈ ਬੇਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 8-9 ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੀਰੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਜਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰੇ ਕੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਬੇਟਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੈਡੀ ਜੀ? ਲਾਈਟ ਰੈਡੀ? ਰੈਡੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਕੈਮਰਾ, ਐਕਸ਼ਨ। मेरी फिल्म का फखर, मेरी फिल्म का मान, मेरी फिल्म की शान आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूं, मेरा हीरो, मेरी जान, वेलकम। साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? अरे आप बड़े लोग हैं, जब भी यहाँ शूटिंग होती है आप अपना कीमती टाइम हमें देते हैं। आप बल्कि अपना कीमती टाइम जाया करते हैं। लो जी, मैं बिना टाइम जाया किते अपनी कहानी अल वध रहे हैं। लो जी अपना, प्लीज आए। हीरो को तो बुलाओ पहले। बेटा आप जरा आए, 2 मिनट जरा खड़े हो। हेलो डायरेक्टर, ये कौन है लड़की? ये नया टैलेंट है, मैं जरा कह रहा हूँ कि पहला सीन इसके साथ। ये मुझे जानती क्यों नहीं है? तो सीधे क्यों नहीं खड़े होते ना? आप आने सीधा ना करना, करा भी लो सीन। थोड़ा लाइट पिछे लाइयो। क्या डायलॉग क्या है? दो मिनट डायलॉग है।
कि जड़ी है ना ताडे दुश्मन दी भैन है वो तो तुहानू कहण आई है कि मेरे भरा दा पिछा छड़ दे तो तुसी कहना नहीं मैं तेरे भरा दी आंदरा कट दांगा ओ कैसे कहना है स्टार्ट फॉर कैमरा एक्शन तुर के आना है इतनी देर च ते उन्हें आई जाना हिल के आना जरा चौकस आंदरा कटनी है तुसी ते बिल्कुल अल्लाह की कसम मैं पूरा चौकस हां जा रहा जिवें आंडे कटने एक्शन ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਓਕੇ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਕਦਮ ਇਹ ਬਲੈਂਡ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੋਤੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਘੋੜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਤੂੰ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਵਾਪਸ ਅੰਦਰਾਂ 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 ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਚਿਚੜੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਆਂਤੇ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਦੂੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗ ਰਾਸ ਆ ਗਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬਤਾਓ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰ ਔਰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਬਤਾਓ ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਆਂਦਰੇ ਨਿਕਾਲ ਦੂੰਗਾ ਉੜੀਏ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੇ ਵਿਸ ਕੇ ਨੂੰ ਚੜੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਓਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜ਼ਰਾ ਲਾਊਡ ਲਾਊਡ ਐਕਸ਼ਨ ਟਿਕ ਟਕ ਚੁਕ ਟਿਕ ਟਕ ਚੁਕ ਆਪ ਕੋ ਸਾਂਪ ਕਾਟੇ ਤੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਚੜੇਗੀ ਯਾਰ ਕੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਤਰਜਮਾ ਟਕ ਚੁਕ ਟਿਕ ਔਰ ਸਾਂਪ ਕੀ ਪੋਇਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੈਨਮ ਵੈਨਮ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੇ ਵਿਸ ਕੇ ਨੂੰ ਚੜੇ ਸਾਂਪ ਕੋ ਸਾਂਪ ਡਸੇ ਤੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਿਸ ਕੋ ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਚ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਚਲਾਣੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਯਾਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਆ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ ਸੁਣੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹ ਫਿਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਚ ਮਹਿੰਗਾਤਰੀਨ ਗਲੂਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਾਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੀਐਸਐਲ ਹੈ ਜੀ 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 ਮਗਰ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਬੇਟਾ ਸੀਟ ਤੇ ਆਓ ਖੜਾ ਹੋ ਬੇਟੇ ਉੱਠ ਯਾਰ ਬੈਨ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਸਿੰਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਸਾਊਂਡ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਡਨ 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 ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਰੇ ਮਾਈ ਖਰੇ ਮਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਬ ਮਾਰ ਭਾਜੀ ਕੋ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਬੰਬ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਬੋਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀਰਵਨ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਵ ਸੀਨ ਖਾ ਲੂ ਨਾ ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਗੂੰਗੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਫੜੇ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੱਪ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਅੱਛਾ ਲੜੇ ਤੂੰ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਨੂੰ ਚੜੇ ਇਹ ਕਿਆ ਮੁਝੇ ਡਾਇਲੋਗ ਮੇ ਫਸਾ ਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਡਾਇਲੋਗ ਥਾ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨ ਮਿਕਸ ਸੀਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈ ਦਰਾਓ ਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਵ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਵ ਸੀਨ ਚਲਾਇਆ ਉੱਤੋਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਸ਼ਕ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੈਗ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬੈਗ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਕਹਾਣੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਸੌਨ ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਜ ਤੋ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਮੇ
इतना प्यार मैंने तुमसे किया, अपने घर वालों से भी उतना नहीं। समझ बोल देना ना। सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आ गया। बाण में आगे किसी ने नहीं पूछा मैं कौन हूँ। घोड़ी बनो। इन्हें इधर से बैठ के जाना है। बाण दे रहे हैं वहाँ। कभी आप ही बाण जाएगा। नहीं नहीं मैं हूँ टाइटल तो इन्हें दे बैठा। अरे आउटडोर कट्ठे ही बाण दे रहे हैं घोड़ी कभी तू कभी मैं। इतने मेरे ते सारी पाती हूँ। घोड़ी कच्ची। इन्हें बनाओ घोड़ी है तो पाओ सारी कार संभालो। घोड़ी बनिया मेरी इज्जत ना कट दी। मैं नच के यार मनावण दे। ओ बणजवा मैं थक के यार मना लेण दे। फिर मैं बणण रिया उस पड़ के खिचण आया मेरी। उस वक्त होगा चलो सब सब लोग। ओ यार इधर भी देख किन्ने से आ पेने ना। अल्लाह खैर एक मिनट यार। प्रेम चो निकल रहे हो। ये जज्बाती डायरेक्टर कर लिया ने घोड़ी मार देनी। एथे म्यूजिक होएगा जी। घोड़ी बन दे मारियां चीकां मेरे ते बै चले बाबला ओ बै चले ऐसा मिलिया ना मैं ढूंढ थकी ये तेरा ख्याल ही है। हाँ घोड़ी बड़ी दुखी है। कोई गल नहीं काफी लंबा सफर है तुसी नाल मेल नहीं हो रहे। वागे तो पकड़ाओ भाई थोड़ा ना पेंचा। ओ साले तेरी मैं ओ हौली हाथ मारेगा तू सच्ची मुच्ची की फिल्म बनाने वाला पहला क्या हो गया। एक मिनट यार ओ अंदरों ना धागा फिर गया। ओ पता है कुर्ते ऐसी आप खुले कराने छोटे ने अंदर जोड़ पे यार तू है गलत पाया है। अच्छा एक मिनट खलोया ए ए असल सी तू कैसी गल साले लंडे की घोड़ी समझी मर्जी खिंच ले जिधर मर्जी कर ऐथे ही आप होइया है चल आप होइया ऐथे ही। अच्छा हो जाना दो मिनट साहब ही लैन दे ना। ये ऐसी कज बहस घोड़े क्यों ले गया है। तेरा खाना खराब है तुम ही पाग ए इधर देख ए किधरों फड़नी है पागल दे पुत्रे आई भैया खेपा ये है ना तुम केड़ा हीरो पाले आ ए फड़ अरे मी जी मोहब्बत का यकीन तुम्हें कब होगा। स्टार्ट शॉट कैमरा एक्शन अदिला अदिला हेलो खोटी दे बच्चे इश्क रस्ते जी छड़ गए हैं। मैं भाई ले गया मैं सीन तो बगैर ने फिल्म बंद कर दी। भाईओ साला घोड़ी लैके फ्रांस पहुंच गया जी। हीरो बार खुलिया पिया जी भाई वर्कशॉप तो बंदा आएगा पहले उन्हें कसेगा। वाह 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 द गुड द बैड द खोती। ओह वेरी गुड यार। ओह आ गया एक बंदा उन्हें जोड़ रहा है। दो तीन घंटे लग जाएंगे। ना यार सीरियस मैं भी उठे घोड़ी बने कोई हो रहा के बैठे कौन फायदा। वायर हुआ क्या तवार समेत मैं दीवार में लगा हूं। अच्छा सवार मेरा खुल गया वहां उसके पुर्जे जो नाम है मौला अल्फी ने जोड़ जोड़ के लिया उन्हें उठे एक नलायक जा मिस्त्री आया मुझे लगता उन्हें पुट्ठा जोड़ देना। बहुत अच्छे वो इसकी गर्दन मुड़ गई है। अब मिस्त्री तेरा बेड़ा गर्क हो जाए तो उनको मारती ही होगी। मिस्त्री कोई अफगानी जैसी उन्हें पता नहीं मोड़ना कुछ सी मोड़ कुछ देता। तू सुना तू कभी घोड़ी बने मौका नहीं मिले तू तो दरियाई घोड़ी बने हूं। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੁਕਣਾ। ਮੈਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪੰਚ ਹੈਗੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਰੋ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ ਮਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਐਸੀ ਹਿਟਿੰਗ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਚਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਇਸਕਾ ਕੋਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਲਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ ਮਾਜ਼ੂਰ ਘੋੜੀ ਕੇ ਸਾਥ। ਵਾ ਵਾ ਅੱਛੀ ਘੋੜੀ ਓਏ ਥੋੜਾ ਸਾ ਖਰਕਣਾ ਕਰੋ ਖਰਕਣਾ ਕਰ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੀ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜੀ ਘੋੜੀ ਹੈ ਕਲਾ ਇਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿਆ ਆਓ ਤੁਮ ਘੋੜੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਚਲੋ। ਚਲ ਬਈ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸੀਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੀਰੋ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉੱਤੇ ਆ ਲੈ ਉੱਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾ ਘੋੜੀਏ ਘੋੜੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ ਘੋੜੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠ ਓਏ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਲੈ।
और कैसे पागल यार, ये बिल्कुल वो सिफालिया बना हुआ है ये, हाँ यानी हाथ से निकल रहा है और बड़ी मुश्किल से ऊपर। मैं सिकंदर हूँ ऐसे, हाँ मलक सिकंदर। तो फिर चल रही उसको काबू करो। सिकंदर ने तो कान से भी कुछ किया सी पहले, वो तो काबू नहीं से आ रही है, गालां कट रही है। चलो यार सुपर शॉट ले लो जोड़ा लेना। चलो जी भाई, वाह 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 वाह, ग्रेट। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਕੋੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਐਕਸ਼ਨ, ਤਕੜਾ 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 ਤਕੜਾ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਘੋੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤਮੀਜ਼। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਦੀ ਤਮੀਜ਼? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਹੈ? ਘੋੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਬਦਤਮੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਓ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਸਲੀ ਘੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਆ ਤੁਮਨੇ ਨੌਸਤ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਕਬ ਕਾ ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਸੀਨ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਬ ਸੇ ਖੜੀ ਹੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਰੋਸ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਸੀਨ ਕਰਾਣੇ ਸੀ, ਸੀਨ ਤੋ ਸੀਨ ਤੁਮਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। मोटे को बिठाओ इसके ऊपर, चलो खाना खराब, तुम शीरा बन के बह गई है। अरे मेरे को टाइम नहीं है, मैं गुलूकारी करने जाना है। तेरी लाश बिछा देनी सारे, तेरा खाना खराब। चलो एक मिनट, जो अपना ये जो प्यारा वो घोड़ी ते बैठा, तुमने बतख बना दी। कुछ नजर हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, पहली फुर्सत में ही हमारा पेट्रियन क्लब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें, ख़ुद भी ज्वाइन करें और जिस जिस दोस्त से, जिस जिस रिश्तेदार से आप कह सकते हैं, कायल कर सकते हैं, इस तरफ रागिब कीजिए। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि खबरहार शो के साथ साथ इजाफी फुटेज जिसमें ज़बरदस्त कॉमेडी, ब्लूपर्स और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस हमारे साथ, हमारी पूरी टीम के साथ अवेलेबल होंगे। ये सहूलत सिर्फ और सिर्फ पेट्रियन मेंबर्स को मयस्सर है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स होते हैं, हमें इनकी पॉलिसी टो करने से निजात मिल सकती है। लिंक आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, patreon.com/aftabiqbal। वेलकम बैक। तीन हजरात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब एक कदरे डिफरेंट किताब आपको महसूस होगी, रूटीन से हट के, यानी जो क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल हिस्ट्री और क्लासिकल राइटर्स हम पेश करते हैं, ये एक डिफरेंट राइटर है। इसका नाम है रॉबर्ट ग्रीन और इसकी किताब है 48 लॉज ऑफ पावर। उर्दू तर्जमा इसका मौजूद है, ताकत के 48 कवानीन। अगर मूड हो पढ़ने का तो आई वुड सजेस्ट के उर्दू पे इक्तफा करें, ये आपको बासानी दस्तयाब भी होगी किताब और आप कम वक्त में पढ़ भी लेंगे, क्योंकि ऐसी किताबों में लैंग्वेज मैटर नहीं करती, इसमें आइडिया मैटर करता है, मैसेज मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है। व्हाट काइंड ऑफ पावर टू रूल समथिंग, पॉलिटिकल पावर? पॉलिटिकल पावर, और ये वही चीज़ है जिसमें चाणक्य कुतलिया ने जी, मैकियावेली ने, और उनसे पहले सैनज़ू, इनका बाबा जिसने ये सब कुछ कह रखा है, मशवरे दे रखे हैं, आइडियाज़ शेयर कर रखे हैं, लेकिन उनमें और इसमें एक जौहरी फ़र्क है कि उन तीनों अकाबरीन का, मैं उन्हें बहुत बड़े राइटर्स समझता हूँ, इवन मैकियावेली, उसकी किताब छोटी है लेकिन राइटर बहुत बड़ा है, द प्रिंस और अर्थशास्त्र, किताब बहुत तगड़ी है, राइटर भी उतना ही तगड़ा, और वो तो बंदा ही बड़ा लाजवाब था। ही वॉज अ पॉलीमैथ, हर इल्म में यकता और एक्सपर्ट था चाणक्य कुतलिया, और तक्षला यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ जो थी उसमें अपने डिपार्टमेंट का डीन था, बड़ा सादा।
एक झोपड़ी में रहता था आखिरी वक्त तक, यानी जब वो मेन एडवाइजर इंडिया के इतने बड़े बादशाह चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर होने के बावजूद उसका रहन सहन बहुत सादा। इसी तरह सैन ज़ू बहुत ही बड़ा राइटर, बहुत बड़ा दाना फिलोसोफर, इनका मामला ये था कि इनका मुखातिब हमेशा बादशाह था। उसकी तो किताब का नाम प्रिंस है ना, द प्रिंस जी, इसमें उसने ये तख्सीस निकाल दी है। दैट इज द रीजन कि किताब ज्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि वो किताब तो क्लासिक में शुमार होती है ना, वो तीनों राइटर्स जी। ये आम फहम था और इसका मकसद आदमी को, इंडिविजुअल को एम्पावर करने का तरीका इन द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज हैवी वेट्स। यही वजह है कि 15 लाख कॉपियां, तकरीबन 15 लाख बिकी हैं इसकी, 24 जबानों में तर्जुमा हो चुका है। और आम आदमी था ये, राजमिस्त्री के तौर पे भी काम करता रहा बेचारा, छोटे मोटे ऑड जॉब्स भी करता रहा। ही वेंट टू बर्कले, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है वेस्ट कोस्ट पे। ही केम फ्रॉम लॉस एंजलिस और क्लासिकल स्टडीज इसका मेजर था। लेकिन बहरहाल रॉबर्ट ग्रीन को ये क्रेडिट जाता है कि उसने एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ नवाबों के लिए, शहनशाहों, हुक्मरानों, जर्नैलों के लिए मुख्तस थी, उसे आम लोगों तक भी पहुंचा दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका तारुफ करवाऊँ इन सब के साथ जी। वो देखें, अक्सर हम इसको राइटर बना देते हैं और ये कि ड्रिल करता रहता है, चलता फिरता रहता है। पता वजह क्या है? हाँ। इसके लिए कुर्सी नहीं बचती। सर इतनी तो कुर्सियां हैं यहाँ पे, कुर्सियां हैं, जगह नहीं है। हेल, मैं स्टालिन का हिटलर कहता हेल, इतना बड़ा बादशाह बैठा हुआ है यार, और शक्ल भी उसने ऐसी, जरा क्लोज शॉट बनाइए। मैं कहता हूँ ये कमाल है अनिल बेला का कि वो वाकई कैरेक्टर में ना सिर्फ उतर आता है बल्कि देखें नेपोलियन की शक्ल बहु यही थी। वाह वाह, नेपोलियन पूंड लड़े होते इस तरह होता। ये अजीब शख्सियत थी, इसकी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट मुझे बहुत पसंद था क्या? और एक एस्पेक्ट सख्त ना पसंद था। क्या पसंद था? पसंद ये था कि बहुत बहादुर था, गो गेटर था, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता था जब तक दूसरे को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा लेता। नेगेटिव? नेगेटिव ये था कि, अच्छा यार मैंने आपका तारुफ अभी, चले पहले मैं नेगेटिव बता दूं फिर मैं आता हूं। ओ दफा कर रहे जनाब, लो गल करनी है, दसो असल गल होगी। नेगेटिव ये था कि इसको अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। वो तारफ तुरफ भी हुंदा बंदे दा भी की। आप हैं जोसेफ स्टालिन, ऑफ कोर्स द एम्परर ऑफ फ्रांस। अच्छा जी, नेपोलियन बोनापार्ट। सर इनमें मकूल तरीन आदमी कौन सा था? पूछने की लोड़ है, राइटर ही होना है। नहीं नहीं, ये राइटर भी बस गुजारे का था, असल माकूल आदमी वो बैठा है। मामे मौला शुक्र है तुम्हारा ध्यान पिया। जेड़ा तरले लवे मकूल है यार, मुझे नहीं पता था कि इसने भी वही कुछ करंट शास्त्र लिखी। मैं जनाब अर्थशास्त्र है, कॉमेडी ना करो, अर्थशास्त्र मैंने पढ़ी है। क्या बात, तो जेड़ी मेरी 15 लाख किताब विकी हो, वो नहीं पढ़ी तुसी? उसके इक्तबासात पढ़े हैं जी, और मुझे बहुत इंप्रेस नहीं किया उसने। क्यों? वो तुमने अच्छी अच्छी चीजें हर तरफ से, लगता है वो दर्सी टेस्ट पेपर तुमने बना दिया है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। क्यों भजन ऐसा ही है ना, बिल्कुल वो उसकी हर बात से लगता है ये तुम उस्तार ली हुई है। लेकिन ये सैन ज़ू से ली है, ये इसने चाणक्य कोतलिया से ली है, मैकियावेली से ली है। मैकियावेली भी कमाल आदमी था, यानी अंदाजा करें कि उसका तयक्कुन और उसकी कन्विक्शन जिससे वो बात करता है, अपने प्रिंस को कहता है यू डोंट हैव टू बी लव्ड, तुम्हें किस पागल ने कहा कि तुमसे मोहब्बत की जाए, यू हैव टू बी फियर्ड, तुमसे लोग डरे, थर थर कांपे तुम्हारी दहशत से। अब देखें उससे फायदा अहले यूरोप ने तो उठाया कोई नहीं, क्योंकि रेनेसांस के बाद सारे मामला उलट पुलट होते गए, डेमोक्रेसी आ गई, शहनशाह तबाह हो गई। यहाँ के जो ब्राउन साहब हैं, लगता है उन्होंने पढ़ी या तो अर्थशास्त्र है या उन्होंने पढ़ी है द प्रिंस। अव्वल तो इतनी आम किताबें, बड़ी किताबें ये डिक्टेटर्स हमारे पढ़ते ही नहीं हैं। इन्होंने पढ़ी होगी रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर। यस। और बाबा कितना एक कौन रेलवे वाले
मैं पाजी स्टालिन ना मेरी बड़ी मशहूर है जोसेफ स्टालिन बड़ा ही जालिम हो 2 करोड़ लोग मारे स्टालिन दो करोड़ लोग स्टालिन ने ये तो जड़े कागजात आ गए शकील मेरे पर भी दसो मैं बात उठाती थी मैं बहुत जुलम किते डर था ओ मोटे का बंदा एक बार मेरे हाथ आ गया टैक्स नहीं सी दिंदा मैं ट्रैक्टर ने क्या बनो भाई ट्रैक्टर ने बन लिया बड़े माण के नाल ये टस तो बाद इन लत्त मैं इन भी नहीं खुली एंड दफे मैं फार्म से लिखता टैक्स की छूट दी जाती है स्टालिन वाकई एक जालिम इंसान सारा कुछ नहीं किया मैं जलेबियां बेच रहे जंग मेरे बारे दसो और इन्होंने कपड़े तू जलेबियां बेचता कि पैड़ा लगे यार वैसे वाकई क्या गेट है जरा टैक्सीडो दिखाओ ना अपना इधर आके जरा बाबा जी की ना इन्हों इसे कहते हैं कपड़ों पे तशद्दुद ये खाना खराब जोसफिन दा है क्यों कदी मन मक्खन खवा रही है लस्सियां पे आ रही है बंद खवा रही है वो पता नहीं मन गुजरा नहीं समझ इधर ते आओ जरा इथे आओ सामने ये बात ऐ घूम के जरा एनु छड़ के घूमी जा एनु छड़ के घूमी जा तू दवाई सका रे ए जेड़ा मेरा कोड़ा खूह डिग गया सी तन्नू याद है खूह में नहीं था इसके बुनियादी उसूल दोहरा दूं एक एक करके छोटे छोटे कुछ चंद एक हमने आउट ऑफ 48 लॉज कुछ सिलेक्ट किए हैं मसलन ये कहता है कि दूसरों को अपने पास बुलाओ अपने पास आने पे मजबूर कर दो खा तुम्हें उनके आगे चारा ही डालना पड़े यानी उन्हें लालच देना पड़े ऐसा कि तुम्हारी शान शौकत देखें तुम्हारे पास आए ताकि तुम उनकी तजलील भी कर सको तुम उन्हें नीचे लगा सको अपना लोहा मनवा सको अपनी धाक बिठा सको जिसने तुम्हें देखा ही नहीं तुम्हारा जाओ हश्म नहीं देखा तुम्हारा रहन सहन नहीं देखा तुम्हारी गुफ्तगू तुम्हारा अंदाज नहीं सुना नहीं देखा वो तुमसे मरूब क्या होगा अच्छा जो इस किताब में मिसाल है ना जी वो इसने नेपोलियन की दी है शुक्र है अल्लाह मेरी बारी है नहीं लेकिन ये तुम्हारे बारे में बड़ी बुरी मिसाल है कि तुम्हारे साथ तो हाथ हुआ था तुम एक अहमक भी तो थे ना अल्बा से ये पहले जब कैद हुआ अब पता ना एक बहुत बड़ी जंग हार गया ये और इसको काबू करके अल्बा में कैद कर लिया गया अल्बा वॉज एन आईलैंड जी वहां से ये फरार हुआ और जाके फिर तख्त पे बैठ गया लेकिन तब तक ममलकत इतनी सल्तनत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो बात नहीं बनी और विद इन 100 डेज ये ऑलमोस्ट ज़मीं बोस हो चुका था कि इसे वाटरलू की जंग लड़नी पड़ेगी कि जिसका ये जिक्र कर रहा है मैं खाई में गिरा था वहां से फिर इसे कैप्चर करके सेंट हेलेना वहां पर इसको रखा गया और सेंट हेलेना के बारे में कहते हैं कि वहां पर पानी जो काला पानी था वो मेटालिक वाटर जो रस्टी आर्सेनिक वाला पानी पी पी करना अंदर से ही मर गया था अच्छा जी अगला एक बड़ा अहम उसूल एक अहम कानून जी कहता है मछली पकड़ने के लिए ना तालाब में हलचल इरताश पैदा करो तलातम खेज कर दो उसको ए बाबा तुसी क्या ओ अन्नी देया मैं क्या है मेरे तो सीनियर या कौन है एक आम आदमी है और उसने गड्डी तन्ने दसक ओए उठ चल शाबा उठ तेनु कहन दिया उठ हप ओ लवर मौला दी जात मरने ने मेरे मलबूसात खराब कर दिते ने अच्छा बाबा जी 4 करोड़ बदला मैं मारे अच्छा ओए 2 करोड़ मैं को बंदा ने मारे मैं कुटदा रे लोग 1909 में जब जार निकोलस की फौजें इसके पीछे थी और ये ऑलमोस्ट पकड़ा गया था तो पता कैसे निकला कैसे? ये औरत का रूप धार के निकल गया क्योंकि कद छोटा था नाटा था साला कहने का सी मैं खाई कोड़ा ही ठीक करी जाना है मेरे बारे अच्छा जी फिर ये कहता है कि एक और कानून इसका के अदमोआ मत करो हाँ जी मार दो उस टाइम पूरी तरह जैसे कहते ना कि क्रश द हेड जी सरपेंट का सर कभी मत छोड़ो कुचल दो उसको कुचलो मेरी स्टोरी घोड़े तो के नहीं बनी यार आखिर तो लिखा थी नेपोलियन और घोड़ा फिर हंसी खुशी जिंदगी बसर है फिल्मा का बहुत शौक सी मैं फिल्मा बड़ियां वेखियां उदो उदो काते वेख ली जाएं यार बेजू बावरा जी तो बनी है
इसकी हुकूमत 64 तक रही है, तो बेजू बावरा केम बिफोर 53। ये म्यूजिक बेजू बावरा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। मैं तो कंपोजिशन है, किसकी कंपोजिशन है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मेरा ख्याल उस वक्त तक बेचारे उन्होंने काम भी शुरू नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू नौशाद तुम पता खाई च मैं और घोड़ा सर को इन्हें टाइम से घोड़े ने मेरे से किताब लिखी होती कुछ नजरात तुम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ से। वेलकम बैक जी डॉक्टर रूबा। मारूफ अदाकारा और टीवी होस्ट राबी पीरजादा ने इंकशाफ किया है कि उनकी बनाई मरियम नवाज की पेंटिंग्स कोई नहीं खरीदता, जबकि इमरान खान की तस्वीर हाथों हाथ बिक जाती हैं। अच्छा जी, दो चीजें मैं क्लियर कर दूं। जी सर। एक तो राबी पीरजादा का जो क्लेम टू फेम है ना, वो एज अ सिंगर है जी। बाज लोग होते हैं जो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बड़ी अच्छी पेंटिंग भी करती है, और बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि उसके पास अपना अजदहा है। वो पेंटिंग कर रहे होते हैं, अजदहा चाह फाड़ के खिलौता। दूसरी बात यह है कि राबी पीरजादा के इंटरव्यू के बाद जी मरियम की ये तस्वीर बिक गई है, किसी एक एडमायरर ने आके खरीद लिया। ये अलग बात है कि द पिक्चर वॉज ऑन डिस्काउंट। खान की 6-6 लाख की बिकती हैं, इसकी कीमत ही उसने 2 लाख लगाई थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी 10-1 हज़ार में को खरीद के ले गया होगा। जो इंटरव्यू लेने गया था राबी ने उससे कहा कि वैसे 2 लाख है, लेकिन चले आपके लिए मैं 1.5 लाख कर देती हूँ। उसने कहा मेरे को तो सिर्फ 4,000 है, 200 के ले। अगर पेंटिंग अच्छी है ना तो बंदा 4 पैसे खर्चने को तैयार भी हो जाता है। पेंटिंग ही आपने अजीब सी बनाई हो, मरियम देखने में तो शी इज अ गुड लुकिंग वुमन, और पेंटिंग में अगर आप अजीब सा एक कैरेक्टर बना दें तो मेरा ख्याल है किसी ने मुफ्त भी नहीं लेनी। ओए बोठे बड़ा तेरा खाली कुंडे रखा हूँ। खाली कुंडा बच्चो होता है जो जिसमें दही नहीं होता। अच्छा उर्दू बोलते हुए दही के अंदर नून गुन्ना नहीं होता। अल्लाह दी कसम ऐसी जुगत कर रहे हैं। दही क्या होता? दही दही छोटी है दही। ये दुकान से लगे नहीं करते, दुकान का डर के पैसे ही नहीं लेता। अच्छा शहरी में दही का अपना ही मजा है। उनको गाल कर रहे हैं काम दे के नहीं, ये बस टेंशन नहीं, ये मंगन वाला बैठा है। अच्छा जी, ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन है? जी मेरा नाम अहमद शहजाद है और मेरा जो ताल्लुक है वो MG स्कूल एंड साइंस एकेडमी से है। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन है कि 2022 के बाद आपने इमरान खान के साथ क्लोजनेस जो है वो आपने ज्यादा अख्तियार कर ली है, तो इसकी क्या वजह है? जी अहमद शहजाद, मैं 2 इमरान खान को जानता था, मेरी जिंदगी में 2 इमरान थे, एक वो जिसने वर्ल्ड कप उठाया था, लेकिन जो असली इमरान है जिसका मैं गर्विदा हुआ वो बाद का है। जो 9 अप्रैल 2022 की रात मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं इमरान का बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ, बैठे बैठे उसकी बहादुरी की वजह से मैं उसका फॉलोअर बन गया, मैंने उसे दिल से अपना लीडर मान लिया, और फिर आगे आगे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया मेरा ये अकीदा रासिख होता गया, और मैं अब भी समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो तो मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर है, और बाकी उसके अंदर इतनी खामियां आज भी हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, मैं इसके बावजूद उसे बहुत बड़ा लीडर समझता हूँ, तो दैट इज़ द रीज़न। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अवैस MG स्कूल की तरफ से आया हूँ। वो दरखास्त पढ़न दे आप, मुझे 6 छुट्टियाँ चाहिए, हमारे यहाँ शादी है। कितना प्यारा बच्चा है, तुम्हारी बात पे खुद एंजॉय कर रहा है। जी भाईजान सवाल। कुछ भी नहीं, मैंने तो कहना अल अर्ज इश्फाक। अर्ज क्या होता है? आरज होता है। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। नहीं होते इसी से नहीं। अच्छा पहले ये अर्जी थी, अब खत शुरू हो गया। आप स्ट्रेट क्वेश्चन करें। एंड देने कहना मुझे 2,000 चाहिए। पता है उसे सवाल याद ही नहीं कि मैंने क्या करना। नहीं सवाल तो बहुत दूर है। अजय तो मौसम का हाल भी।
आपको पता हमारे मोहल्ले में कल ओले भी पड़े। सर मेरा सवाल है कि कई नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात से, तो अब इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? दो चीज़ें जिनकी वजह से वो छोड़ के जाते हैं। एक, उनकी इज्जत नफ्स मजरू की जाती है। इज्जत नफ्स मजरू वहाँ पर की जाती है जहाँ पर सोशल जस्टिस ना हो, जहाँ पर इंसाफ सब के लिए, कानून सब के लिए यकसा ना हो। जब कानून और इंसाफ सबके लिए यकसा नहीं होता तो मौके भी सबके लिए यकसा नहीं होते। बाकी मैं खुशी हो रही है कि यार आजकल दे यूनिवर्सिटी कॉलेज दे मुंडे माशाल्लाह ध्यान दे रहे ने पढ़ाई वाल। आप इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। नहीं मैं खुशी हुई है पाएं, क्योंकि आजकल खुशी क्यों हो रही है? बर्गर कह कह के ना इन्होंने दिलो लाती से यूथ और राणा साहब को गल मनिया भी कर। अच्छा, बर्गर शर्गर वो कोई नहीं है। अगर ये बर्गर है ना तो काश मैं भी इस जैसा बर्गर होता। क्यों? ये तो डरते ही नहीं है। और तुसी 12 शामी वाला बर्गर होना सी। बर्गर भी शामी वाला पाशे ने खा रहे होना सी। जो आप पाशे ने नहीं, अबुल हॉल ने खाना सी। अबुल हॉल बेटा जो मिस्र में है ना, वो ऐसे बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ? ऐसे। पहले तो तुम ऐसे कर रहे थे। ये अबुल हॉल ट्रांसजेंडर है ना इस तरह की। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ जमील है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मरियम नवाज लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर क्या चाहती हैं? वो क्या चाहती हैं, कैसे बैलेंस हो तो इलेक्शन करवाएंगी गवर्नमेंट? अब इस पे मैं क्या जवाब दूं आपको? मरियम नवाज सिर्फ यही चाहती हैं कि जिस तरह पहले इलेक्शन हम लड़ते थे ना, उस तरह लड़ेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। यही लेवल प्लेइंग फील्ड है कि इसको भी साथ मिलाना है, इसको भी साथ मिलाना है। ये मामला इस तरह करना है, फहरिस्तें इस हिसाब से होंगी, हल्का बंदियाँ इस तरीके से होंगी, और तैनातियाँ भी उस जमाने में 35 पंक्चर लगा करते थे। उस वक्त इजला पंजाब के 35 थे, तो जिससे मंसूब है ये फिक्रा, उसने 35 के 35 इजला में सारे पंक्चर लगा दिए थे। SHO से लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, AC, DC सारे अपने दी हुई फहरिस्त के मुताबिक लगा दिए थे। तो अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो कल भी इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। ये जो भाग रही हैं, क्यों भाग रहे हैं सारे? इलेक्शन के नाम से थर थर क्यों कांपते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अब तारीख अपने आप को दोहराने लगी है कि जिस तरह 70 का इलेक्शन था ना, और 70 में मैं भुट्टो की मिसाल नहीं दूंगा, मैं मुजीबुर रहमान की मिसाल दूंगा, जिस तरह सफाया उसने कर दिया था ना, इनकी सोच वहमो गुमान से भी बियॉन्ड, इमरान उससे भी बियॉन्ड करने जा रहा है अगर उसे अल्लाह ने मौका दिया, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया। मैं नहीं कहता इमरान तो कहता मैंने जो करना था, जो इनिंग्स खेलनी थी खेल ली है। अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो वो अगले इलेक्शन में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत लेकर आएगा, ताकि वो कहने जोगा ना हो कि जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे करने नहीं दिया गया, मेरे पास अक्सरियत नहीं थी। इसलिए यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद मुअज्जम है। तो सर मेरा क्वेश्चन सियासत से थोड़ा सा हट गया मेरा। सर आपकी फिटनेस का राज क्या है? और दूसरा ये है कि आपका जब भी प्रोग्राम देखता हूँ ना, मटन में ये डालें, मटन में वो डालें, सर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक दो दफा लेते हैं अपना चीज। आप करते क्या है? मैं पुलिस में। इन्होंने एक दिन मटन च पिस्तौल दी गोलियां। सर मैं भी सुनया कि पिस्तौल तो बगैर भी गोलियां चलाई जा सकती हैं। हाँ जी कैसे? भाई चूल्हे ते को रखो पांडा, अच्छा वो तो 5-7 गोलियां रख दियो। अनि वो ही जेदे नाल दुश्मनी उन्हें कहो तेरे वास्ते चाह बन रही पी लै। और जो तो चाह बन रही होवे ना तू इंज वेख। कोई बच्चा इस तरह की हरकत ना कर बैठे यार। बात यह है कि इस तरह हीट की वजह से कुछ उसमें बारूद होता है ना, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, आप इस पे अमल ना करने बैठ जाए। भाइयों ने फ्राई पैन लेके डाका मारन चले गए सर, विच गोलियां रखी। हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हज़रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे नूर मोहम्मद चिश्ती। कलाम है रफीक जिया का। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है।
मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है और मेरी तो हैसियत ही क्या है मेरे गरीब नवाज तो हैसियत ही क्या है मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है कहाँ वो इज़ मदीना कहाँ मेरी ये हाजरी का सबब बार बार आप से है हुजूर मेरी तो सारी और मैं इस यकीन से जिंदा मेरे हैं कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।